سلام هي حتى مطلع الفجر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 14 रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात के साथ प्रोग्राम फ़ी शहरे रमज़ान में मैं आपकी मेज़बान आयशा जाहिद आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 14 रमज़ानुल मुबारक सन 542 हिजरी कमरी को फ़कीह और मुहद्दिस इब्ने मगाज़ली का इंतकाल हुआ। वो सन 457 हिजरी कमरी में पैदा हुए। उन्होंने इराक में अजीम उलमा से तालीम हासिल की। नाज़रीन, इब्ने मगाज़ली को इस्लामी उलूम व मारिफ में से इल्मे हदीस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वासित और बगदाद शहर में हदीस नकल करने में गुजारा। उन्होंने अपने असलाफ के आसार को भी नकल किया है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि इब्ने मगाज़ली के तहरीरी आसार में सिर्फ हदीस पर एक किताब दमिश्क के कुतुबखाने ज़ाहिरिया में कलमी नुस्खे की सूरत में महफूज है। नाज़रीन, इसके अलावा 14 रमज़ानुल मुबारक सन 1248 हिजरी को ईरान के मशहूर दानिश्वर और हकीम शमसुद्दीन बहबहानी ने वफात पाई। बहबहानी ने नौजवानी में मुहक्किक बहबहानी और अलामा तबातबाई जैसे उलमा से इल्म हासिल किया। वो अजीम फ़कीह और आरिफ थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा तहकीक व तसनीफ में गुजारा। शमसुद्दीन बहबहानी ने हिकमत व उसूल में कई किताबें भी तहरीर की हैं। नाज़रीन, 14 रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले कुछ अहम वाक़यात से आप महज़ूज़ हो रहे थे। जी तो नाज़रीन, ये थे 14 रमज़ानुल मुबारक में रूनुमा होने वाले कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात। आपसे कल मुलाकात होगी 15 रमज़ानुल मुबारक के कुछ अहम और तारीख़ी वाक़यात के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।